प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं। दर्शकों, कारागार में बंदी जो रहते हैं उनको लेकर के अभी अगर हम अलीगढ़ की बात करें तो इस तरीके का मामले सुनने में आए थे कि कुछ जो बाहर के शरारती तत्व हैं, कुछ लोग जो ठग हैं, वह इस तरीके का फ़ोन करते हैं उन परिजनों को जो बंदी हैं, उनके परिजनों को कि यह आपका जो परिजन है ये बीमार है और इसके इलाज के लिए इतना पैसा आप हमें पेटीएम कर दीजिए, गूगल पे कर दीजिए, फ़ोन पे कर दीजिए। तो इस तरीके से वो उनसे ठगी कर लेते हैं। तो इस तरीके के मामले आ रहे थे, तो इसी मामले को लेकर के आज हमारे साथ में हैं अलीगढ़ जेल के जेल अधीक्षक ब्रजेंद्र यादव जी। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस तरीके के जो मामले आए आपके भी संज्ञान में आए होंगे, तो उस पर आपने क्या व्यवस्था यहाँ पर बनाई हुई है और किस तरीके की चिकित्सीय खासकर व्यवस्था, क्योंकि उसी पर ये सवाल उठते हैं। सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से जनपदवासियों को और कारागार में जिनके परिजन निरुद्ध हैं उनको अवगत में कराना चाहूँगा कि कारागार के स्तर से किसी भी बंदी का जो इलाज होता है वह निःशुल्क होता है। उसकी समस्त भुगतान राजकीय कोष से होता है और इस निमित्त किसी भी प्रकार का पैसा कारागार से नहीं मांगा जाता है। सामान्य लोगों को ये जानकारी होती भी है, अगर नहीं है तो आनन फानन में कोई इस तरीके से अवांछित लोग, आजकल अलग अलग तरीके से ठगी की व्यवस्था चलती है, तो बहुत बार कोई इस तरीके का अगर फोन कर दिया तो आनन फानन में किसी ने, जैसे यहाँ पे उदाहरण के रूप में अभी रिसेंट में घटना हुई, उसमें परिजन के घर पे फोन गया कि आपका बंदी बीमार है और उसको तुरंत ब्लड की जरूरत है, आप इतना पैसा फोन पे जमा कर दीजिए। गूगल पे, फोन पे जैसी कोई भी व्यवस्था कारागार स्तर पे नहीं है, ना इस प्रकार से कोई भी धनराशि प्राप्त की जाती है किसी भी बंदी से। तो सामान्य रूप से जनपदवासियों को अवगत कराने के लिए और इस प्रकार से जो ठगी की व्यवस्था हुई थी उन परिजनों को बुला के उनके बंदियों से मुलाकात भी कराई गई कि देखिए आपका बंदी जो है पूर्णतः स्वस्थ है, आपके पास जो कॉल गई है वो टोटल फेक कॉल है, ठगी के इसमें संदर्भ में है, इस निमित्त आप लोग जो है संबंधित पुलिस अधिकारी के पास पहुँचिए और अपनी रिपोर्ट पंजीकृत कराइए। जो बंदी थे उनके माध्यम से भी हम लोगों ने एक सूचना का प्रेषण किया है और समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से जनपदवासियों को इस बारे में अवगत और कराया है और साथ ही जागरूकता भी फैलाई है कि इस प्रकार से किसी भी तरीके का भुगतान करने से पहले आप कारागार के गेट पे, जेलर के CUG नंबर पे या मेरे जो है CUG नंबर पे आप फ़ोन करके इस चीज़ की पुष्टि पहले कर लें, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं रहता है। तो दर्शकों, आपने जाना कि जेल में जो भी बंदी हैं उनकी जो चिकित्सीय व्यवस्था है वो जेल की तरफ से निःशुल्क होती है, और अगर कोई भी अगर इस तरीके से बंदी बीमार होता है तो उसके शायद परिजनों को इसकी सूचना दी जाती है। तो आप इस तरीके की जो शरारती तत्व, जो बाहर के तत्व हैं, उनके द्वारा जो ठगी का चल रहा है मैटर, तो उसमें ना आए। और अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है तो जैसा कि जेल अधीक्षक जी ने कहा कि आप जेल कारागार में आप संपर्क करें और पता कर सकते हैं। तो आप देखते रहिए प्रभात खबर, मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।